पास युद्ध अक्टूबर से लगातार जारी है। इसके बाद लाल सागर में माल ढोने वाले जहाजों पर भी हमला शुरू हो गया है। हमास को समर्थन देने के लिए हूती विद्रोही ने उन जहाजों को निशाना बनाया है जो मिस्र के स्वेज नहर के रास्ते या उससे होकर यमन से गुजर रहे हैं। अब अमेरिका ने इसका जवाब देते हुए पिछले दो दिन में ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन में हूती विद्रोहों के कई ठिकानों को तबाह किया, जिसके बाद हूतियों ने फिर से हमले की धमकी दी है। इस घटना ने लाल सागर में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। हमले की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए कंपनियां निर्यात शिपमेंट रोक रही है। अमेरिका ने भी जहाजों को लाल सागर से दूर रहने के लिए अलर्ट किया है। इस हमले का असर डायरेक्ट भारत पर नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबल परेशानी को देखते हुए भारत के निर्यात और आयात कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। भारत समेत कई देश इस रास्ते से कच्चे तेल से लेकर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, खाने पीने, अन्य चीजों का आयात निर्यात करते हैं। अगर कोई नए रास्ते से निर्यात करना पड़ा या शिपमेंट रोकी जाती है तो भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। तो लाल सागर तनाव के कारण भारत के व्यापार पर कितना असर पड़ सकता है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। भारत के निर्यात में 30 अरब डॉलर की गिरावट की आशंका नई दिल्ली के थिंक टैंक रिसर्च और इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ने एक मूल्यांकन पेश किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि लाल सागर भारत के लिए सबसे भरोसेमंद रास्ता है और यहाँ से निर्यात आयात का खर्च अन्य रास्तों की तुलना में सस्ता है। अब ऐसे में लाल सागर में तनाव पैदा होने से यहाँ से गुजरने वाली जहाजों में 44% की कमी आ सकती है। वहीं भारत के पिछले साल निर्यात 451 अरब डॉलर की तुलना में इस साल 6-7% की गिरावट आ सकती है। इसका मतलब ये कि भारत का निर्यात 30 अरब डॉलर तक घट सकता है। परिवहन लागत में भी 3 गुना इजाफा हो सकता है। लाल सागर में हमले ने ग्लोबल ट्रेड को खतरे में डाल दिया। शिपिंग कंपनियां व्यापार के लिए नया रास्ता तलाश रही है। बाकी कंपनियां भी नए रास्ते से कारोबार करने पर विचार कर रही है। समुद्र में इन घटनाओं के सामने आने के बाद कार्गो कंपनियों के यूरोप जाने वाले कंटेनर स्वेज नहर की बजाय केप ऑफ गुड होप मार्ग ले रहे हैं, ये कंपनी के CIO ने बताया है, जिसकी वजह से रास्ते बदले जा रहे हैं। कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी, इज़राइल युद्ध, हमास के बाद अब लाल सागर में हमले का असर कच्चे तेल के दामों पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। यानी अगर लाल सागर में ऐसे ही हमले होते रहे तो फिर आयात निर्यात पर असर पड़ेगा, और सीधे तौर पर तो भारत पर नहीं, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली कहीं ना कहीं भारत में महंगाई बढ़ सकती है।